कुर्ला के हलाव पुल पर दो महिलाएं भाड़े के मकान में चला रही है वेश्या व्यवसायी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला हलाव पुल पर स्थित भारत नगर मित्र मंडल है और यहां पर परेरा चौल है। यहीं पर रूम नंबर 5 में दो महिलाएं रहती है जो कि पेशे से जो है वेश्या व्यवसाय करती है। दोनों महिलाएं का नाम हम आपको बताएंगे। पहला नाम जो है आयशा है और दूसरा नाम जो है मुस्कान है। ये दोनों महिलाएं हैं उस परिसर में रहती है और काफ़ी ज़्यादा दबंग लेडी है वो उधर की, और आसपास के पड़ोसी काफ़ी परेशान है उससे। लेकिन जो रूम मालिक है अफजल कुरैशी, वो किसी भी तरीके का जो है सुनवाई लोगों की ना करते हुए उस महिलाओं को रहने दे रहे। और आसपास के लोगों का जब शिकायत जाता है कि ये महिलाएं जो है गाली गलौज करती है, नशा करती है और यहाँ पर लड़कों लोगों का आना जाना है, इसके खिलाफत जब लोग करते तो जो रूम मालिक है अफजल कुरैशी, वो किसी भी तरीके का कोई सुनवाई नहीं करते और ये कहते कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं रूम भी नहीं खाली कराऊंगा, आपको रहना है तो रहो या तो आप यहां से चले जाओ। तमाम लोगों का आरोप लग रहा है। सभी लोगों ने आरोप लगने के बाद स्थानिक विनोबा भाव पुलिस स्टेशन को संपर्क किया, लेकिन वहां पर भी पुलिस द्वारा कोई न्याय नहीं मिला। उस परिसर में जितने भी रहने वाले हैं उन लोगों का ये कहना है कि हमें अगर इसी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा, हम और भी आला अधिकारियों तक जाएंगे, जैसे मुंबई की साइबर सेल हो गई और ऐसे मुंबई कमिश्नर हो गए, तमाम लोगों तक जा करके अपील करेंगे। लेकिन आपको हम बता देना चाहेंगे कि कुर्ला के हलाव पुल पर भाड़े के मकान में ये दो महिलाएं रहती है, लेकिन किस तरीके से वेश्या व्यवसाय करती है और वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का जो है वहाँ पर आतंक फैलते जा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या वहाँ के मकान मालिक पर असर पड़ता है या क्या तरीके का जो है पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान देता है। हमारे पास काफ़ी सारे उसके खिलाफ जो है एविडेंस है और ऐसे काफ़ी सारे प्रूफ है जिससे ये साबित हो सकता है कि वो महिलाएं जो है वेश्या व्यवसाय करती है, लेकिन प्राइवेसी की वजह से हम नहीं बताना चाहेंगे। लेकिन कुछ झलकियां हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि कैसे वो लोग जो है ऑनलाइन आसपास के लोग हैं और उसके कस्टमर है, उन लोगों को जो है न्यूड वीडियो कॉल पर बात करते हैं और न्यूड भेजते हैं, और ऐसे में जो कस्टमर आते हैं उनके पास उनसे पैसे लेते हैं और जो पैसे नहीं देता उन्हें फंसाने का और धमकाने का, इस तरीके से उन दोनों महिलाओं द्वारा जो है काफ़ी परेशान किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं कुछ भी तरीके का जो है हरकत कर तुम्हें फंसा दूंगी झूठे झूठे केस में। अब ये सब जो दबंग का कहना है, ऐसे ही तमाम लोग जो है इसीलिए इसके खिलाफ जो है किसी भी तरीके का पुलिस स्टेशन जाते नहीं है, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर कर पुलिस स्टेशन तक जानकारी दी है। ये सब जो महिला है, दोनों महिला है, ये इसी तरीके से जो है दबंग बनी हुई है और दबंग बनने के बाद जब भी हम शिकायत लेकर के आते हैं तो वो पीछे गाली गलौज करती है और ये कहती है कि अब मैं झूठे झूठे केस में सभी वहाँ के नौजवानों को फंसा दूंगी। तो अब इस बदहाली के बाद मुंबई कमिश्नर हेमंत नागराले जी से भी अपील रहेगा इस वीडियो के ज़रिए कि वो जो इस मकान पर रहने वाली मुस्कान और आयशा है उस पर ध्यान दे और जो वेश्या व्यवसायी है उस पर जो है कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करते हुए उन लोगों पर केस दर्ज करें। देखिए किस तरीके से कुछ झलकियां हम आपको दिखा दें कि कैसे वेश्या व्यवसाय करते हैं ये दोनों भाड़े के मकान में।
ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।